हो गया। अब बात आती है भाई, ये बैटरी आपकी जो है, जो आपके फोन के अंदर बैटरी होती है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो और चाहे लिथियम पॉलीमर बैटरी हो, समझना पहले, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो चाहे वो लिथियम पॉलीमर बैटरी हो, उनका एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है कि बैटरी एक लेवल के बाद डिस्चार्ज नहीं होती है, समझिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। जो बैटरी होती है वो एक लेवल के बाद डिस्चार्ज नहीं होती, ओके, मोबाइल अपने आप को ऑफ कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑफ कर लेता है, यानी कि जो बैटरी आपकी, जब फोन आपका लो हुआ, आपका फोन लो हुआ, समझना, पहले 4.2 थी फुल चार्ज, 3.7 जो है क्या हुआ, लो पे आई, और भी चला बैटरी तो लगभग 2.7 तक आते आते वो अपने आप, मोबाइल अपने आप को ऑफ कर लेगा। क्या कर लेगा? अब ऑफ कर लेगा। और जो है उससे नीचे, यानी कि 3.2.7 इससे नीचे जो है बैटरी डिस्चार्ज होना नहीं होगी, डिस्चार्ज नहीं होगी, और जब चार्जर लगाओगे तो वहीं से चार्जिंग बढ़ना चालू हो जाएगी। बात समझ रहे हो पहले? तो बैटरी एक लेवल के बाद डिस्चार्ज नहीं होती है। और मोबाइल क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोबाइल अपने आप को क्या कर लेता है? ऑफ कर लेता है। और आप फिर जब चार्जर लगाते हो तो चार्जिंग चालू हो जाती है। लेकिन आप कहोगे कि फिर ये डीप डिस्चार्ज क्यों होती है? तो डीप डिस्चार्ज का एक कारण है कि भाई बैटरी डेड होना या बहुत ज़्यादा माइनस में चली जाना, ऐसा क्यों होता है? कुछ प्रॉब्लम आती तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से बैटरी डीप डिस्चार्ज होती है। मतलब कि मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका मोबाइल, आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज में चली जाती है। अब वो प्रॉब्लम क्या क्या है? तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि मोबाइल हाफ शॉर्ट। क्या हो गया? मोबाइल में कुछ ना कुछ शॉर्टिंग आ गई, कोई कंपोनेंट या आईसी जो है शॉर्ट हो गया, उसकी हाफ शॉर्टिंग के अंदर आ गई जाती। दूसरा, मोबाइल फुल शॉर्ट, इसमें भी कुछ ना कंपोनेंट या कुछ भी ऐसी चीजें हैं कि जो शॉर्ट हो जाते हैं कंपोनेंट, उनकी वजह से बैटरी का जो एक लेवल जो बचता है उसको भी वो खींच लेता है। शॉर्टिंग की वजह से जो बैटरी होती है वो डीप डिस्चार्ज में आती है। तीसरी कमी, मोबाइल सॉफ्टवेयर से डेड। अगर आपका फोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, वो फोन डेड हो गया है, अब उस पर बैटरी, अगर आपने उसमें चार्ज लगाई है, चार्ज बैटरी लगाई है और अपने फोन को रख दिया रात में, और सुबह जाके फिर तुमने जब देखा जाके कि सॉफ्टवेयर करें, तो वो बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी ऑटोमेटिक पूरी की पूरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है। सॉफ्टवेयर की जब कमी होती तब भी प्रॉब्लम आती है, शॉर्टिंग की वजह से तब भी ये प्रॉब्लम आती है कि बैटरी आपकी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है, ओके। इसके बाद चौथा, बैटरी को मोबाइल से बाहर
निकाल देना। 10 दिन से लेके 30 दिन, यानी कि अगर आपने मोबाइल से बैटरी को निकाल दिया और ऐसे तुमने रख दिया टेबल पे पड़ी है, तो वो बैटरी धीरे 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 डिस्चार्ज होती ही जाएगी। एक आध दिन की बात नहीं कर रहे, 10 दिन से लेकर 30 दिन, महीने भर के अंदर वो बैटरी को ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि फोन जो है किसी ने बैटरी उसकी निकाल के रख दी, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होती चली गई। समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लीजिए, मोबाइल को मोबाइल को कई महीने के लिए रख दिया, यानी कि मोबाइल आपका चार्ज है, आपने जो है उसको ऑफ करके या चार्ज करके उसको रख दिया, 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो गए जाके, तो बैटरी उस टाइम पर भी क्या हो जाएगी, डीप डिस्चार्ज हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जो बैटरी बिल्कुल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। प्रॉब्लम में समझ में आई कि किन किन प्रॉब्लम की वजह से जो बैटरी डीप डिस्चार्ज होती है। अन्यथा बैटरी का फोन में कोई कमी नहीं है तो क्या करेगी, मोबाइल अपने आप को एक लेवल के बाद ऑफ कर लेता है, चार्जर लगाओ फिर चार्ज कर लेता, होता है ऐसा कि नहीं होता। और जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, बैटरी को निकाल के डायरेक्ट चार्ज करना पड़ता है। कई तरीके होते हैं डीसी